नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। दहिया खा प्रधान जयपाल दहिया के नेतृत्व में 15 गांव के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें विचार विमर्श किए गए कि अपने वाद विवाद को घरेलू स्तर पर गांव स्तर पर रखकर अपने स्तर पर निपटाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में कोर्ट कचहरी के चक्कर ज्यादा ना काटने पड़े, इनसे बचा जा सके, क्योंकि पुलिस व कचहरी के चक्कर में पड़ने के बाद बहुत अधिक समय बर्बाद होता है और रंजिश भी बढ़ती है। इसलिए परंपरागत तरीकों की तरह घर पर बैठकर विवाद को निपटाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। मतलब इसे पद का मतलब यूज करा, अकेला नहीं, और इसलिए मैंने आप लोगों को सबको बुलाया, और मैंने यहाँ ये जो बिजलैंड के गाँव है ज्यादातर ये बुलाए है। भाई मैं आज से 5-7 दिन पहले यहाँ चौबीसी में गया था, जिसमें मेरे साथ 2-3 थे, भाई मेर सिंह था, अपना कृष्ण थे, भाई साहब जिंदर था, मतलब हम कई जने थे। भाई चौबीसी ने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है, और आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, आप लोगों ने मतलब वो अखबार में पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा उसमें बताने की शायरी रुचि ना पड़े। और भाई उसमें के था एक मैंने खास करके ये इसलिए बुलाए वो आप पे, भाई एक तो बैठ कर कोई मेरे से 3 महीने में कोई गलती हुई हो या भाई मैंने कोई कदम ना उठाया हो, अच्छा आप लोग निसंकोच मेरे को बढ़िया सुझाओ और मेरे को दबाओ, जो मेरी गलती है वो क्लियर कर ली है, उसको क्लियर करेगा गलती ने, अच्छाई ने अच्छाई, बुराई ने बुराई, पर यात्र खोल कर बुराई करनी है। भाई आपने बनने के बाद ये गलतियाँ रखी है, आप इनको सुधारो, नहीं ये हमने हमारे दैया खा पूरे समाज के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने ये कमेटी ये आज की मीटिंग बुलाई है। दूसरा मैंने एक एजेंडा चलाया है भाई नशे के खिलाफ, हमारा समाज नशे की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। भाई एक तो ये बताओ भाई मुझे ये मुहिम ठीक चलाई है या गलत चलाई है, दूसरा भाई इसमें मेरा अगर ये ठीक चलाई है तो मेरा भाई पूरा सहयोग करो, इसमें ज़्यादा है ज़्यादा हर गांव में मेरा प्रचार करवाओ, हर गांव में आप मेरे 7 साल का प्रचार करो, और भाई इस नशे को छोड़ो, इससे हमारा समाज बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, हम इतने गर्दश में चले गए हैं, अगर आने वाली पीढ़ी जो है उसका यहाँ कोई भी भविष्य नहीं होगा। और भाई भाईचारा बनाओ, भाईचारे के बगैर हम इतने खंड बन गए हैं और जिसका कोई भी नहीं, आज हमें भाई हमने काम छोड़ दिया, नशे के पाछे चाल पड़े, जो धर्म ज्यादा हो गए भाई एक क्लास मारा है नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर मेरी विनती है भाई आप लोग इस भाईचारे ने कायम करो, भाई चाहे चूप हाथ जोड़ के करो या चूप खा के करो, कैसे भी करो, आप लोगों को इतनी बड़ी दुर्गति में चले गया है ये तक आप सोच भी नहीं सकते। ये रसूख में बड़ी दिक्कत आ रही है, इतने मुकदमे, इतने रोज का भाई कलेश में टेंशन बाकी, भाई उस बात ने हाथ जोड़ के, क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हुए 50 साल तो ऊपर गए, तो हमारा फर्ज बने है भाइयों सारा, इसमें ज्यादा से ज्यादा भाई हाथ जोड़ो, भाई अपना भाईचारा इकट्ठा होकर न इसने निपटाओ, लेकिन भाई पुलिस में मत जाओ, मुकदमेबाजी मत करो, भाई जूत खाड़े हैं अर्थात अपने घर आए खा लो बाहर थे तो वो अच्छा है, उसमें भाई लुटना पिटना और बेइज्जती दोनों तीनों चीज है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है भाई मेरे घर में कोई दिक्कत आ गई मेरे तो ना सुलझरी तो मैं भाइया का भाईचारा वो उसमें सारा तो शेयर करूँ उस बात में, और पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे उनमें यह यो फर्क था, वह पौड़िया में बैठ काम थे नुका हारते, भाई आज बहू जा रही है, आज बहू आ रही है, आज बहू छो मा गया, छोरे ने काम कराया, वह सारी बात ने शेयर कराया करते, ईब हम शेयर नहीं करते, बात ने लकोना चाह लकोना चाह उसकी घूमड़ी होकर घूमड़ी होगा फोड़ा हो जाए वो बहुत बड़ा, और वो फोड़ा होगा फूट जाए फिर उसका इलाज नहीं हमारे पास। इसलिए भाई ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो गए बात ने शेयर कराया करो, भले मनमुटाव हो कोई बात नहीं, मनमुटाव तो वीरमंद का भी हो जाए, लेकिन उसको
शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा, अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। जैसे 36 बरादरी ने मेरा सहयोग कराया है और जो है मैं 36 बरादरी का पूरे गाँव का हाथ जोड़ के उस सहयोग का धन्यवाद करता हूँ। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।